नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोई बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही हम कोई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले। आज हम जनरल हेल्थ से रिलेटेड इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। दोस्तों, मैंने मेरी क्लिनिक पर देखा कि होम्योपैथी के अंदर बहुत से पेशेंट आते हैं जो कि जॉइंट पेन से परेशान होते हैं और उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। इनफैक्ट कई लोग होते हैं जो बिल्कुल आते हैं कि जिनको जॉइंट्स में जो है मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है, खास करके घुटने जो हमारे नी है इनमें इतना ज्यादा दर्द होता है कि उनको नी रिप्लेसमेंट तक की रिकमेंडेशन होती है कि भाई आप अब घुटने चेंज करवा लीजिए, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे, इतना ज्यादा पेन होता है और उनकी जो मूवमेंट होता है वो भी बिल्कुल कम हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं जो उनके फिंगर जॉइंट्स, हाथों की जो अंगुलियां इनमें दर्द होगा, कई इनको कलाई रिस्ट में दर्द होता है, कई इनको काफी ज्यादा उनकी एल्बो और बाकी जॉइंट्स में दर्द होता है। और दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हम बहुत से ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर साहब होते हैं जो हड्डियों वाले डॉक्टर साहब उनसे मिल लिए, या जो रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब होते हैं जो गाउट या गठिया जिसको हम कहते हैं उनसे भी मिल लिए, तो उनका कहना है कि आपको गठिया नहीं है, है कि नहीं, आपको मतलब इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, बट फिर भी उनको जॉइंट पेन और काफी ज्यादा रहता है। दोस्तों, ऐसे लोगों की जब हमने हिस्ट्री ली तो उसके अंदर एक कॉमन चीज निकल के आई कि उन्होंने बहुत ज्यादा नींबू का पानी पिया हुआ होता है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए एज ए मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप नींबू पानी पीते हैं, अगर आप नींबू पानी पीने की सोच रहे हैं, या अगर आपको ऑलरेडी जॉइंट पेन है, या आपको पहले से ही मतलब जो है नींबू पानी पी रहे हैं और अब जॉइंट पेन होने लग गया है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। दोस्तों, रूटीन के अंदर हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग, और बहुत ही कॉमन इनफैक्ट एक ट्रेंड सा है कि वेट कम करने के लिए, कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, तो अक्सर लोग रूटीन के अंदर सुबह नींबू पानी पीते हैं। कई लोग गर्म पानी के अंदर नींबू डाल के पीते हैं और कई लोग इसके साथ जो शहद है, हनी है, उसको मिक्स करके भी पीते हैं। और इसको पीना शुरू करने बाद कई लोग एक महीना, दो महीना, तीन महीना, कई लोग छः महीने तक पीते हैं। और मैंने एक केस ऐसा भी देखा जो भी भाई साहब आए जो पिछले लगभग 3 साल से सुबह शाम दिन में 2 बार नींबू पानी पीते हैं। उनका कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, बहुत ज़्यादा ओबेस था, और जब मैंने नींबू पानी पीना शुरू किया तो मेरा शरीर पतला होने लगा और अब मेरा उनका जो फिट है मतलब बॉडी के अंदर आप कह सकते हो कि आज के टाइम में फैट बहुत कम हो गया, मतलब उन्होंने वेट बहुत ज़्यादा अपना रिड्यूस किया सिर्फ नींबू पानी से, और पिछले लंबे समय से जैसे मैंने बताया वो पीते आए। लेकिन उसके साथ उनको एक ऐसी बीमारी लगी जिसकी जो है वो डायग्नोज नहीं हो पाया। दोस्तों, उनको क्या हुआ कि जब उन्होंने नींबू पानी लेना शुरू किया तो जैसा उन्होंने बताया, धीरे धीरे लगभग 3-4 महीने बाद में उनको धीरे धीरे जॉइंट्स पेन होने लगे और 5-6 महीने बाद ये दर्द काफ़ी बढ़ गया और धीरे धीरे आज के टाइम ये हो गया कि उनका चलना फिरना तक मुश्किल हो गया और सारे जॉइंट्स में उनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जैसा मैंने शुरू में बताया था। उसके बाद वो अपने आसपास में जो मतलब हड्डियों के डॉक्टर साहब होते हैं, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर साहब, उनसे जाके मिले और कोई मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशंस में निकल के नहीं आया, कैल्शियम विटामिन D3 की डिफिशियंसी आई, उनके सप्लीमेंट्स वगैरह लिए, फिर भी उनको रिलीफ नहीं मिला और उनका दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद उनको रूमेटोलॉजिस्ट यानी जो गठिया या गाउट जो है आर्थराइटिस हम बोलते हैं उस बीमारी के डॉक्टर साहब जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो जॉइंट पेन को देखते हैं उनके पास वो हाईअप सेंटर पर जाके उनसे मिले, वहाँ भी उनका RA टेस्ट जो गाउट वगैरह होते हैं और बाकी काफ़ी जो इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट होते हैं वो भी कराए, उसके अंदर उनका गाउट या गठिया नहीं आया, लेकिन फिर भी जो है उनका जो पेन था, दर्द था, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और उनका कहना था कि मैं बहुत सी जगह और भी स्पेशली डॉक्टर साहब से मिल लिया लेकिन मेरा पेन बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने जो है हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट किया क्लिनिक पर, जब उनकी हिस्ट्री ली तो एक चीज़ निकल के आई कि जब उनको दर्द शुरू हुआ था उससे कुछ समय पहले उन्होंने नींबू पानी शुरू किया था पीना और नींबू पानी वो तब से लगातार रोज सुबह शाम दिन में 2 बार पी रहे हैं। उससे फायदा ये हुआ कि उनको बॉडी वेट बहुत ही कम हो गया, बिल्कुल शरीर हल्का हो गया। लेकिन तब से जब उनको मैंने ध्यान दिलाया, हिस्ट्री ली, तो उनका ध्यान गया कि हाँ सर, मैंने उससे कुछ टाइम पहले नींबू पानी शुरू किया और आज तक पी रहा हूँ और मेरा पेन, सारे पेन किलर भी ले रहा हूँ, बाकी मेडिसिन भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरी तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लास्ट में मुझे नी रिप्लेसमेंट की तरफ जो है प्लानिंग हो रही है और बाकी जॉइंट्स में भी दर्द रहेगा। दोस्तों, ये एक मैंने एग्जाम्पल कोट किया, और अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं और अगर आपको जॉइंट दर्द है तो आप इससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, और अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो भी आप सावधान रहें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बेड, यानी हर चीज की जो अति है वो आपके लिए खराब होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नींबू पानी अच्छा नहीं होता, नींबू आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन तब तक ही जब आप उसको सीमित, उसको फिक्स क्वांटिटी में लेते हैं। अगर आप एक्सेस ले रहे हैं, लंबे समय तक उसको पीते जा रहे हैं, खास करके भूखे पेट अगर आप उसको नींबू पानी को पी रहे हैं और उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत भी महसूस होने लगे कि आपके जॉइंट में थोड़ा बहुत भी दर्द या स्टिफनेस, कुछ भी सिम्टम्स आए, आपको दोस्तों तुरंत रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको सारी जो मैं भी प्रॉब्लम्स बता रहा था इनमें ले जाएगा। और ऐसे में मेरी क्लिनिक में बहुत से पेशेंट देखता हूं, जब उनसे हिस्ट्री लेता हूं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम या D3 कुछ लोगों में थोड़ा बहुत कम आता है,
और बहुत परेशान होकर लोग आते हैं, और कारण एक ही कॉमन कारण होता है जो रूटीन में निकल के आता है कि लंबे समय तक भूखे पेट नींबू पानी गर्म पानी में पीना या शहद के साथ पीना, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसलिए आज मैं ये वीडियो आपको एज ए मैसेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं, आपको जॉइंट पेन है, तो अलर्ट हो जाइए, आपके जॉइंट पेन का कारण वो नींबू पानी है जो आप लंबे समय तक एक्सेस में पीते जा रहे हैं। दोस्तों इसका कारण क्या है कि नींबू बेसिकली जो नींबू पानी लेते हैं वो एसिडिक होता है, इसका जो पीएच होता है जो एसिडिक लेवल होता है वो 2 होता है, यानी बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक होता है, और इसके अंदर जो एसिड होता है उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। दोस्तों कोई भी एसिड की खासियत होती है, आप रूटीन में देखेंगे किसी भी एसिड के अंदर अगर मान लीजिए एक टूटा हुआ दांत डाल दीजिए या बोन हड्डी का पीस डाल दीजिए, वो धीरे धीरे उस बोन को गला देगा, उस दांत को बिल्कुल गल जाएगी वो, है कि नहीं। कुछ ऐसा ही जब बहुत ज्यादा एक्सेस में जब आप एसिड आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो ये प्रैक्टिकल चीज है, आप पी के देख लीजिए नींबू लंबे समय तक अगर आप पी रहे हैं तो उसके कारण आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और बहुत से लोगों के अंदर ही देखने को मिलता है कि आपकी बोन्स है वीक होने लगती है। मैं ये कह रहा हूं एक्सेस जब आप ले रहे हो आपकी बोन्स वीक होने लगेगी, आपकी जिस तरह से बॉडी का फैट कम होता है, आपकी बॉडी की एक्सेस चर्बी कम होती है, अगर रूटीन की भाषा में समझूं तो आप कह सकते हो उसी तरह से आपके जॉइंट्स की जो चिकनाहट है वो भी इसमें से कम होती है और आपको जॉइंट पेन होने लगता है, आपकी बोन्स वीक होने लगती है, बोन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जो हम प्रोसेस कहते हैं होने लगता है कि बोन्स कमजोर होने लगती है, गलने सी लगती है आप ऐसा कह सकते हो, और फिर आपको फ्रिक्शन होके और जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं सारे जॉइंट पेन्स के अंदर। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं और खास करके लेडीज के अंदर ये ज्यादा देखा है। आज भी क्लिनिक पे एक मैम आए थे, उनसे यही डिस्कशन हो रहा था, बोले सर मैं जो है मेरे को पिछले 3-4 महीने से धीरे धीरे मेरा जॉइंट पेन शुरू हुआ, अंगुली में होता था, आजकल यहां होता है, आजकल मैं अब आटा गूंथती हूं तो भी मुझे दर्द होता है कलाई में मेरी, और एल्बो के अंदर कोहनी के अंदर भी दर्द होता है, मेरे पूछा तो बोले नी में भी दर्द होने लगा है। जब मैंने वापस उनसे पूछा कि आप नींबू पानी लेते हैं, तो उनका आंसर था हाँ मैं पिछले 7-8 महीने से नींबू पानी पी रही हूँ, मैं काफ़ी थोड़ा सा मेरे को लगा था हेल्दी हो गई हूँ, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया और नींबू पानी पी रही हूँ, और पिछले कुछ टाइम से मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे जो है जॉइंट पेन हो रहा है। मैंने उनको इमीडिएटली इस तरफ ध्यान दिलाया और बोला कि एक्सेस एवरीथिंग इज बेड, जो लंबे समय तक आप नींबू पानी पी रहे हो उसके कारण ही आपको दर्द है, आप इसको बंद कर दीजिए, और कुछ हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसन्स दी है उनको स्टार्ट की है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि उनको धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लंबे समय तक नींबू पानी पी रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करें, या आपको जॉइंट पेन दे सकता है, या ऑलरेडी अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप ध्यान दें कि कहीं आप नींबू पानी तो नहीं पी रहे थे, तो आप उसको तुरंत बंद कर दें। यहाँ ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको जॉइंट पेन है तो उसका कारण सिर्फ नींबू पानी, हमारी एज के साथ में हमारे जॉइंट्स वीक होने लगते हैं और उसके कारण भी बहुत से कारण होते हैं जिससे हमारे जॉइंट पेन दर्द होने जॉइंट्स में मतलब दर्द होने लगेगा और प्रॉब्लम्स होगी, और उसका होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जिसको लेके आप नी रिप्लेसमेंट तक से भी बच सकते हो, और इस पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसका मैं लिंक ऊपर आपको शेयर कर देता हूँ, वो आप जरूर देख सकते हैं अगर आप डिटेल के अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नी पेन और जॉइंट पेन के बारे में लेना चाहते हैं। तो दोस्तों अब जो हम बात कर रहे थे कि लोग नींबू पानी क्यों पीते हैं, देखिए नींबू पानी का जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो होता है वेट रिडक्शन के लिए, और अक्सर ये देखा कि मेल्स के बजाय जो यंग फीमेल्स होती हैं या थोड़ा एज फीमेल्स भी वो ज़्यादा इसको यूज़ करती हैं, और गांव के बजाय जो सिटी या जो अर्बन लाइफ की जो लेडीज़ हैं वो इसको ज़्यादा करती हैं। गाँव में लेडीज़ थोड़ा मेहनत करती हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, सिटी के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती है शहरी जीवन के अंदर, और थोड़ा बहुत घर का काम होता है उसके अंदर भी अक्सर कुछ फैमिली के अंदर हेल्प लेते हैं या और कोई काम वाले लोगों की भी हेल्प लेने लगते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, कैलोरी इंटेक बढ़ने लगता है जिससे धीरे धीरे ओबेसिटी या मोटापा आने लगता है, जो ये हमारी नॉर्मल लाइफ है मतलब जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करे उसके कारण, तो उसके अंदर फिर जब उस वेट को रिडक्शन करने के लिए अक्सर नींबू पानी को पीने लगते हैं। अगर आप ओबेज हो गए हैं मोटे हो गए हैं तो किस तरह से आप ओबेसिटी को बिना कोई साइड इफेक्ट बिना कोई नुकसान के थोड़ा सा किस तरह से कैलोरी को आप एडजस्ट करें अपना डाइट के अंदर, किस तरह से आप फिजिकल एक्टिविटी करें, और होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो बिना साइड इफेक्ट बिना इस तरह के नुकसान जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आप अपने वेट को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर भी मेरा एक अलग से वीडियो है जो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे कि किस तरह से आप ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, उसका मैं लिंक ऊपर शेयर कर देता हूं, वो आप जरूर देख सकते हैं। अगर आप मोटापा कम करने के लिए जानना चाहते हैं कि नींबू पानी मना कर रहे हैं तो किस तरह से कम करें, ये कॉमन क्वेश्चन देखने को मुझे मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं एट लास्ट अगर आपको बोलूं वापस तो मेरा जो मैसेज है वो सिर्फ यही देना है कि मेरी क्लिनिक पे मैंने देखा बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं जिनको घुटने का दर्द है, शरीर में बाकी जॉइंट्स में दर्द है, और पुरुषों के बजाय महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है कि अक्सर लेडीज जो है वेट
वेट रिडक्शन करने के लिए उनकी लाइफ में और भी कई तरह के चेंजेस आते हैं, मैरिड लाइफ में उसके कारण भी वेट बढ़ने लगता है, और भी कई जो मतलब बच्चियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा ओबेज है, वेट रिडक्शन करने के लिए भी वो नींबू पानी पीने लगती हैं, तो उसके बाद भी उनको जॉइंट पेन वगैरह आने लगता है। तो ऐसे कैसे इसके अंदर एक हिस्ट्री कॉमन निकल के आती है कि एक्सेस लंबे समय तक नींबू पानी पीना। तो मेरा ध्यान उसी तरफ आप लोगों को दिलवाना है कि किस तरह से जो है आप इससे बच सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो थी, आपका जो थोड़ा सा मोटापा था उससे बड़ी प्रॉब्लम जॉइंट पेन, जिससे आपका उठना बैठना चलना फिरना तक मुश्किल हो जाए, उससे आप बच सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया है ये आपको पसंद आएगा और आपके जीवन में आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।